रावलपिंडी अमन कमेटी के चेयरमैन राजा ताहिर जुंजुआ का नई खबर न्यूज को आजादी के हवाले से मुबारकबाद पेश की गई। आइए जानते हैं इस खबर के हवाले से कि क्या तफसीलात हैं इनके पास। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं रावलपिंडी कलमा चौक कमालाबाद में और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अमन कमेटी के चेयरमैन राजा ताहिर महमूद साहब। जी इनसे आज बात करते हैं 14 अगस्त के हवाले से, ये आवाम को क्या कहना चाह रहे हैं और इनके तासरात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको पता है कि हमारा आगे 3 दिन बाद हमारा आज़ादी है, जश्न आज़ादी आ रहा है। और ये आपको पता है जश्न आज़ादी का क्या मतलब है? जश्न आज़ादी का मतलब ये है कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए अपनी जानें दी हैं और बड़ी मुश्किल से हमने अपने इस मुल्क को आज़ाद करवाया उन्होंने। और हमारी जश्न आज़ादी इंडिपेंडेंस डे है, हम खुशी से मनाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोगों से कि आप अपने घरों पे हर बंदा परचम लहराए और कश्मीर और दूसरे जो साथ कश्मीर का मामला है, इसके लिए भी हमारे कायद लीडर इमरान खान साहब ने बहुत ही इशू उठाया है। और हर जगह कायद इमरान खान लीडर साहब ने ये भी कहा है कि कश्मीर हमारा आज़ाद हो जाए। और आपको पता है मोदी हमारे दिन ब दिन मोदी बकवास करता है हमारे मुल्क के बारे में, तो मैं मोदी को ये बता देना चाहता हूँ कि वो हमें इतना कमज़ोर ना समझें। जिस टाइम हमने अब कोशिशों से, जब ये सोई हुई कौम है, तो आपको पता है जब ये मुसलमान कौम पाकिस्तान जब आवाम बॉर्डर क्रॉस करेगी तो फिर मोदी अपने घर में और बिल में छुप जाएगा। आपको पता है ये हमारी आज़ादी का दिन है और हम इन जोशों